सुभान राज। सर रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है। हो गया सर, हो गया। ठीक, ओके ओके। तो आज मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको समझाने वाला हूं, जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में एक्चुअली में इसमें होता यह है कि जैसे ये मान लेते हैं, ये स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू दी आर, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको जब हम कैपिटल डी में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी डी और प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू दी आर। इट मीन्स यहाँ पे पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट एंड आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कोई जरूरी नहीं है कि सेकेंड ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर हो, चाहे वो फोर्थ ऑर्डर हो, चाहे फिफ्थ ऑर्डर हो, किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर उसमें ये आपके कांस्टेंट हैं पी और क्यू, यानी हम यहाँ पे इस वक्त जो पढ़ा रहे हैं वो कांस्टेंट कोफिशियंट पढ़ा रहे हैं, तो अगर पी और क्यू कांस्टेंट हैं और आर फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा ये क्या है, पी क्यू कांस्टेंट है, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू दी आर। इट मीन्स वाई इज इक्वल टू दी आर अपॉन एफ डी, और वाइज आर अपॉन एफ डी का मतलब यह है कि यहाँ पे आर के अकॉर्डिंग, यानी आर में या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा या कांस्टेंट होगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स में बहुत तरीके के फंक्शन है, जैसे आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन या कांस्टेंट। तो अगर इस टाइप के फंक्शन राइट हैंड साइड में आते हैं तब हम पर्टिकुलर भी एक सोल्यूशन है, तो इसी को हम पीआई में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सीएफ और पीआई दोनों आपके सोल्यूशन होते हैं। तो पीआई इज इक्वल टू दी आर अपॉन एफडी। तो अब हम पीआई निकालने के लिए ये चीज करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शन निकालने के लिए अलग अलग मेथड है, तो उसमें आपको हम पहला मेथड आपको हम बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड ये है कि अगर आर के प्लेस पे ई टू द पावर एक्स या ई टू द पावर एक्स प्लस बी या कांस्टेंट है, अगर आपके राइट हैंड साइड में या कांस्टेंट है, तो उस वक्त हम काम क्या करेंगे, मेथड अप्लाई करेंगे। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे ई टू दी कांस्टेंट के प्लेस पे जैसे मान लेते हैं टू है, तो टू को लिख सकते हैं टू इंटू ई की पावर जीरो एक्स। क्यों, ई की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है पावर जीरो एक्स में। तो अब यहाँ पे काम आई इज इक्वल टू दी, और इन्हीं में से कोई एक ले लिया है ई टू दी पावर ए एक्स, और ये है वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी, डी का फंक्शन है। टर्म नहीं आता है, अगर यहाँ पे डी के प्लेस पे ए पुट किया तो ये हो गया वन अपॉन एफ ए ई टू दी पावर ए एक्स। अगर यहाँ पे एफ ए आपका जीरो नहीं है, एफ ए आपका जीरो नहीं है, तो उस वक्त यही स्टेप पी आई हो जाएगा, और इसको सी एफ के साथ में ऐड करके हम लिख देंगे। लेकिन अगर आपका एफ ए आपका अगर जीरो आ जाता है, तो यहाँ पे फिर ऊपर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है।
नीचे डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरीके से, जब हम डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और डी के रेस्पेक्ट में यानी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू डी, अगेन पुट अगेन करेंगे ए पुट करने पर, अगर आपका एफ डैश ए आपका जीरो नहीं होता है तो यही स्टेप पी आई हो जाएगा, अगर ये जीरो नहीं होता है तो ये स्टेप पी आई हो गया, इसको हम सी एफ में ऐड करके लिख देंगे। लेकिन अगर आपका एफ डैश ए फिर जीरो आ जाता है तो ऊपर हम फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हम डी के रेस्पेक्ट में फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे हम डी के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करेंगे और फिर अगेन पुट डी इज इक्वल टू दी ए, डी के प्लेस में ए फिर पुट करेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक नीचे जीरो आता रहेगा। जिस स्टेप पे जीरो आना बंद हो जाएगा वही स्टेप पी आई हो जाएगा। तो दिस इज द मैथ साइड में e टू द पावर ax या e टू द पावर ax प्लस b है या कांस्टेंट है तो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। तो इसके लिए आपको ये समझ में आया बेटा मेथड? इस मेथड पे आपको अभी हम न्यूमेरिकल एक बताते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि न्यूमेरिकल है सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ये तो पूरा मेथड स्क्रीन सर शो नहीं हो रही है हमारे, ब्लैक आ रहा है एकदम, और नेटवर्क प्रॉब्लम तो आपके मोबाइल में है। solve the differential equation to d cube y by dx cube minus d2 y by dx square plus 4 dy by dx minus 2y is equal to the e to the power x। ये differential equation है, इसको solve करना है। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, इसको capital D में convert कर दिया, यानी to d cube y minus d2 y plus 4 dy minus 2y is equal to e to the power x। तो यहाँ पे हमने y कॉमन ले लिया, तो ये आपका देखिए फंक्शन ऑफ d हो गया है। अब यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी निकालते हैं, तो लिखेंगे हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जहां जहां d है वहां वहां m पुट कर देंगे इक्वल टू जीरो। फिर इसके हमने फैक्टर बनाए हैं, फैक्टर बनाने के बाद इसके जो फैक्टर आए हैं 1/2 और 0 ± √2i। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे is equal to the complete CF is equal to the C1 e to the power 1/2x plus e की power 0x, और bracket में ये हो जाएगा आपका C1 आ ही चुका है, C2 cos root 2x और C3 sin root 2x। तो ये PI देखिए समझ में आया है CF? Yes sir। Yes, sir। अब PI के लिए क्या है, PI के लिए अभी एक हमने वो बताया है क्या फार्मूला कि PI is equal to the क्या होता है R upon function of D। तो R यहाँ पे क्या है e to the power x है, तो ये हो गया e to the power x और 1/ function of D। function of D क्या है, जो ये ब्रैकेट में है यही function of D है। अब यहाँ पे काम क्या करेंगे कि जो x का कोफिशियंट है वो a है, लेकिन a के प्लेस पे वहां 1 है, तो जहां जहां d है वहां वहां 1 पुट करेंगे। तो जब हम d के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो हमने d के प्लेस पे 1 2 1 square plus 4 1 0 नहीं आया है, यही स्टेप पी आई हो गया है, और इसी को हमने
जो x का कोफिशियंट है वही a है, तो यहाँ पे x का, जी तो यहाँ पे x का कोफिशियंट है जब एक्सपोनेंशियल के पावर में, जब क्वाड्रेटिक होगा ये क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है, उसके लिए दूसरा मेथड है। मैंने इसीलिए फंक्शन क्लियर लिख दिया है, मैंने क्लियर फंक्शन लिख दिया है कि यही तीन फंक्शन के लिए है, e टू द पावर ए एक्स या e टू द पावर ए एक्स प्लस बी या कांस्टेंट, यानी कोई भी नंबर हो काउंटिंग नंबर, इन्हीं तीन के लिए ये मेथड है। अगर e की पावर एक्स स्क्वायर है तो उसका दूसरा मेथड है, अभी वो हम बाद में बताएंगे, वो सिक्स मेथड है। सीएफ जहां लिखा वाला स्टेप बता दिए, सीएफ सीएफ में क्या है, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पे तीन रूट निकलेंगे, एक रूट निकला 1/2 और दूसरा रूट निकला 0 ± √2 आई। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे ये इमेजिनरी है, तो यहाँ पे c1 e टू दी पावर 1/2 x, भाई इसका फार्मूला क्या होता है, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस, इस तरीके से डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे एक ही है की पावर m1x, और प्लस जब प्लस करके जब हम दूसरा लिखेंगे तो इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी के लिए फार्मूला है e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, लेकिन यहाँ पे c1 आ चुका है इसलिए c2 cos बीटा x प्लस c3 sin बीटा x, तो अल्फा है 0 बीटा है √2। तो इस तरीके से फार्मूले यहाँ पे दो अप्लाई हुए हैं, एक डिफरेंट के लिए लेकिन चूंकि उसमें एक ही रूट है और प्लस लगा के फिर इसके बाद इमेजिनरी को। पी आई में क्या क्या किया है, पी आई +2 आप d2y/dx यहाँ पे काम क्या करेंगे कि इसको कैपिटल डी में कन्वर्ट करेंगे, तो जब हम कैपिटल डी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा d3y-3d2y+3dy-1 कॉमन लिया है, ये कैपिटल डी में फंक्शन आ गया है। अब यहाँ पे लिखा है हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जहां जहां डी है वहां वहां एम रख दिया है, फिर इसका फार्मूला ये हो जाएगा a-b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³-b³-3ab और ब्रैकेट में a-b, तो अगर a के प्लेस पे m है और b के प्लेस पे 1 है तो यही हो जाएगा m³-3m² + 3m-1 = 0। तो इस तरीके से m के रूट निकलेंगे, कितने, तीन रूट निकलेंगे क्योंकि m-1 का होल क्यूब है, तो m की वैल्यू आएगी 1, 1, 1, तो इस तरीके से तीन रूट निकलेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हेयर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, c1+c2x+c3x² ब्रैकेट क्लोज e^x, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल में देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। आप पर्टिकुलर इंटीग्रल में देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, 1/2 फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी क्या है, d³-3d² + 3d-1
ठीक है। अब इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या है, इसको क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है e टू दी पावर एक्स और दूसरा है आपका प्लस टू, तो इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे x का कोफिशियंट है वन, तो इसमें जहां जहां d है वहां वहां वन देखिए रखेंगे, तो वन रखने पे ये जीरो हो रहा है, वन माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो वन रखने पे जीरो हो रहा है, तो इसमें ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हम d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी क्यूब है तो ये हो जाएगा थ्री डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी और प्लस थ्री, ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब फिर उसमें हम काम क्या करेंगे, डी के प्लेस पे वन पुट करेंगे, वन पुट करने पर देखेंगे तो ये फिर आपका जीरो, और आपको पहला स्टेप ही बताना है। अब ये जब आ गया तो फिर हमने ऊपर क्या किया है, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो सिक्स डी माइनस सिक्स हो गया है, फिर ऊपर हमने डी के प्लेस पे वन पुट किया तो अभी अभी फिर जीरो आ रहा है सिक्स माइनस सिक्स, तो फिर ऊपर हमने x से मल्टीप्लाई किया है तो x क्यूब हो गया है, और नीचे d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो 6 आ गया है। तो ये वाले स्टेप में अब जाके कांस्टेंट आया है। अब इसमें आइए 2 है तो 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू e की पावर जीरो एक्स, तो इसमें जहां जहां d है वहां वहां जीरो रखेंगे, तो जब जीरो रखेंगे तो नीचे माइनस वन आ जाएगा, तो यही स्टेप किया ही हो गया, तो 2 अपॉन माइनस वन e की पावर जीरो एक्स, यानी ये हो गया माइनस 2। तो इस तरीके से ये चीज है, तो आप चाहें तो इसको देख लीजिए पीआई किस तरीके से निकाला गया है। तो एक हमने वो न्यूमेरिकल बताया जिसमें सीधे कांस्टेंट आ जाता है, और एक ये न्यूमेरिकल है जिसमें जीरो आता रहता है। सर जो वन रख के चेक कर रहे हैं बार बार जीरो आ रहा है, लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिख देंगे साइड में तो अच्छा रहेगा, जैसे हमने लिखा ऐसे आप लिख दीजिएगा कि वो चेक किया है जीरो आया है। यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। तो इस टाइप के हमने आपके दोनों तरीके के न्यूमेरिकल आपको कराए हैं, तो इसमें आप इनको देखिएगा। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट बता रहे हैं सेकंड मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सेकंड मेथड में क्या है कि अगर राइट हैंड साइड में, यानी राइट हैंड साइड में साइन ए एक्स है या कॉस ए एक्स है या साइन ए एक्स प्लस बी है या कॉस ए एक्स प्लस बी है, यही चार फंक्शन के लिए है ये सेकेंड मेथड। साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स या साइन ए एक्स प्लस बी या कॉस ए एक्स प्लस बी, यही चार फंक्शन के लिए इसमें लिखा है वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी, और इनमें से कोई एक ले लेते हैं साइन एक्स। अब यहां पे कई चीजें आती हैं, पहले हम पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। फर्स्ट पहला ये है, मान लेते हैं कि हमने डी के प्लेस पे ये फंक्शन ऑफ डी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स या साइन ए एक्स प्लस बी या कॉस ए एक्स प्लस बी आता है, तो उस केस में नीचे जो फंक्शन ऑफ डी है वहां पे हम डी स्क्वायर देखेंगे, और डी स्क्वायर के प्लेस पे हमको माइनस ए स्क्वायर पुट करना होगा, यानी माइनस बाहर और इस तरीके से। अब जब ये हम पुट करेंगे तो इसमें आपके तीन चीजें आती हैं। पहली चीज कि जब हम डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पे पहली चीज हम बता रहे हैं कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है डी स्क्वायर और प्लस टू, ठीक है,
डी स्क्वायर प्लस टू लिखा है और ये लिखा है साइन एक्स। तो ए है क्या, जो साइन साइन ए एक्स में एक्स का जो कोफिशियंट है ये ए है। तो हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए के प्लेस पे क्या है, वन है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू दी माइनस वन का स्क्वायर। इट मींस ये माइनस वन है, ये हमने पुट किया तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया वन अपॉन माइनस वन प्लस टू साइन एक्स, यानी हो गया साइन वन अपॉन वन साइन एक्स। ठीक है, पहली चीज, या तो जब आप डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे या कांस्टेंट आएगा या जीरो आएगा, तो या लीनियर इन डी में आ जाएगा। तो पहली चीज ये है कि अगर हमने डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट किया तो अगर आपका कांस्टेंट टर्म आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो कांस्टेंट ही आना चाहिए। जब तक कांस्टेंट नहीं आएगा हम मेथड को अप्लाई करते रहेंगे। अब पहली चीज तो ये थी। अब दूसरी चीज ये है कि मान लेते हैं कि हमने डी स्क्वायर के प्लेस में माइनस ए स्क्वायर रखा और ये जीरो हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे ये एग्जाम्पल लिया, जैसे लिखा है वन अपॉन डी स्क्वायर और ये हो गया है प्लस फोर, ठीक है, और ये लिखा है कॉस टू एक्स। ये एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू दी हो गया माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू का स्क्वायर इज माइनस फोर। तो ये जब माइनस फोर हो गया है तो देखिए, जब माइनस फोर हो गया तो पुट करेंगे यहाँ पे, ये हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी आई इज इक्वल टू दी वन अपॉन, ये हो जाएगा माइनस फोर और प्लस फोर, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन टू एक्स। तो ये तो हो गया जीरो। जब जीरो होगा तो फिर यहां भी वही चीज है कि ऊपर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वन अपॉन टू डी, और ये हो जाएगा कॉस 2x और 1 अपॉन डी। आप जानते हैं क्या होता है 1 अपॉन डी, आपको मालूम है कि 1 अपॉन डी होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिसिप्रोकल है, तो डी है डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन डी है इंटीग्रेशन। इसलिए यहां पे आप cos 2x को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या इंटीग्रेशन आएगा, ये तो 1 अपॉन 2 है ही है, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का होता है sin, ये हो जाएगा आपका sin 2x अपॉन 2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा x sin 2x अपॉन 4। तो आप समझ गए हैं, अभी तीसरा मेथड आपको नहीं बताया है, अभी सिर्फ दो मेथड बताए हैं कि अगर आपका साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स या साइन ए एक्स प्लस बी या कॉस ए एक्स प्लस बी आता है तो उस केस में आपको जो फंक्शन ऑफ डी है डिनोमिनेटर में वहां पे डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। माइनस ए स्क्वायर पुट करने पे तीन चीजें आती है। पहली चीज कि कांस्टेंट टर्म आ जाता है, दूसरी चीज जीरो हो जाता है, और तीसरी चीज लीनियर इन डी में हो जाता है। तो हमने आपको यहाँ पे दो चीजें भी बताई हैं, यहाँ पे डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, जैसे माइनस वन का स्क्वायर पुट किया तो कांस्टेंट आ गया तो यही पी आई हो गया, इसी को ऐड करके लिख देंगे, और अगर डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट किया और अगर जीरो आ गया, जैसे ये क्वेश्चन था, देखिए जीरो आ गया तो ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो फिर वन अपॉन डी आ जाएगा, और वन अपॉन डी होता है इंटीग्रेशन, और इस तरीके से आ जाएगा। अब आते हैं तीसरी चीज, थर्ड में क्या है कि मान लेते हैं कि डी स्क्वायर के प्लेस पे आप जैसे मान लेते हैं डी स्क्वायर के प्लेस पे थर्ड लेते हैं, जैसे अब ये लिखते हैं पी आई इज इक्वल टू दी वन अपॉन लिखा है डी स्क्वायर प्लस टू डी और प्लस टू ऐसे लिखा है,
और ये लिखा है साइन एक्स, ठीक है। हमको यहां पे सिर्फ डी स्क्वायर के प्लेस पे रखना है, तो लिखेंगे पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू दी माइनस वन का स्क्वायर, इट मींस माइनस वन। तो जैसे ही माइनस वन पुट करेंगे, बाकी हम डी के प्लेस पे नहीं पुट करेंगे, सिर्फ डी ही डी स्क्वायर के ही प्लेस पे पुट किया जाता है। कभी कभी डी क्यूब आएगा तो उसको लिखेंगे डी इंटू डी स्क्वायर, हमको सिर्फ डी स्क्वायर के प्लेस पे ही पुट करना है। अगर आपका डी की पावर फोर आता है तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर तब पुट करेंगे, ठीक है। और अगर डी आता है तो कुछ नहीं पुट करेंगे। तो इस तरीके से ये नहीं अंडर रूट लिख देंगे, गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन और प्लस टू डी और प्लस टू, और ये है आपका साइन एक्स। अब ये हो गया आपका टू डी और प्लस वन और ये साइन एक्स। अब इसके लिए यही मेथड है कि डी स्क्वायर होना चाहिए नीचे, लेकिन यहाँ पे डी है इसलिए हम यहाँ पे नीचे डी स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि ऊपर और नीचे इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2d प्लस वन है और इसका कांजुगेट क्या है 2d माइनस वन। तो 2d माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्यों? क्योंकि नीचे d स्क्वायर आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2d माइनस वन और नीचे हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस वन और ये हो जाएगा फिर साइन एक्स। अब ऊपर तो वैसे ही लिखा रहने दें, फिर लिखेंगे पुट अगेन पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू दी माइनस वन। तो माइनस वन पुट करेंगे तो हो जाएगा टू डी माइनस वन, ये तो साइन एक्स रहा और नीचे क्या आ जाएगा माइनस फोर और माइनस वन, यानी नीचे हो गया कांस्टेंट, यानी माइनस वन अपॉन फाइव और ये हो गया टू डी माइनस वन साइन एक्स। अब साइन एक्स को अंदर ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 2d साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, और d साइन एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन है साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इस तरीके से ये पी आई आया है। तो ये तीसरा मेथड था, समझ गए हैं सर? ये वाली एक बार फिर से बता दीजिए।